हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। 90s का जो भी बंदा खुद को गेमर बोलता है ना, उसने 101% ये गेम खेली ज़रूर होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में। अगर वो बाहर जाके गेमिंग पार्लर्स पे खेलता तो पक्का उसे 101% देखने को तो एटलीस्ट मिली ही होगी ये गेम, ठीक है। अगर वो ट्रू गेमर है तो उसने पक्का ही खेली होगी। रीज़न क्या है इस गेम को खेलते ज़्यादातर बंदे क्यों थे कि ये गेम वैसी थी, स्टोरी टाइप थे पूरी, जिसमें एक मैड साइंटिस्ट है और इसमें डायनासोर्स भी है, सब है, मतलब गन फाइट भी है आपका, वैसे कॉम्बैट भी हो रहा है, तो पूरा एक बढ़िया स्टोरी लाइन है इसमें। आपको दुनिया को बचाना है, चार सुपर हीरो हैं जिनमें एक लड़की है, तीन लड़के हैं, ठीक है। अनुपात तो यहाँ भी बुरा है, लिंग अनुपात सेक्स रेशो की बात करें तो वो यहाँ पर भी बिगड़ा हुआ है गेम के अंदर भी, ऑलमोस्ट उस टाइम की ज़्यादातर गेम के अंदर बिगड़ा ही हुआ था। टेकन 3 के अंदर मेल कैरेक्टर ज़्यादा थे, फीमेल कैरेक्टर कम थे। तो इस विषय को थोड़ा दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस गेम के बारे में, ठीक है। कोई बंदा नहीं जानता था कि इसका नाम कैडिलैक एंड डायनासोर है, ठीक है। सब इसको मुस्तफ़ा बोलते थे, बिकॉज ये जो बंदा है आपकी स्क्रीन पे, ये मुस्तफ़ा है और ये इस गेम का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैसो है, जैक है और हन्ना है, ठीक है। तो मैस जो था ना वो सबसे तगड़ा है इनमें, जैक अपना ड्राइवर टाइप बंदा, टेक्निकल काम धंधा करने वाला है, हन्ना भाई ओवरऑल बॉम्ब है वो, ठीक है। तो जो उस टाइम के टर्की होते थे ना, वो हन्ना को लेके खेलते थे गेम, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी ये। और इसको खेलने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि टेकन 3 वगैरह क्या थी कि आपकी कोई चैलेंज करेगा, किसने कॉइन डाला वो आपके अगेंस्ट लड़ेगा, आपको मार देगा, बड़ा बंदा है तो कोई जो लंबे टाइम से खेल रहा है, आपका गेम ओवर वहीं पर, ठीक है, आप ज़्यादातर गेम खेल ही नहीं पाओगे। इसको खेलने का ही मतलब है, इसमें एक तो आपको 2 या 3 लाइफ मिलती थी, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से सेट करके रखते थे गेमिंग पार्लर वाले बंदे, गेम वाले बंदे, तो 2 लाइफ मिलती थी। 1 अप भी लगता था, आप बढ़िया स्कोर करोगे, अच्छा सा ज़्यादा मार रहे हो तो आपका 1 अप लगेगा। एक तो वो जो अनलिमिटेड गन मिलती थी उसको बंदे बिस्सो बोलते थे, ठीक है, वो किसी को मिल जाए तो वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं, यही सब है ना, मतलब अनलिमिटेड बुलेट्स के साथ मिलती थी ज़्यादातर, रहता था कुछ ट्रिक थी कि यहाँ पे मिलेगी, ऐसे करना पड़ेगा, पहले 3 बार जंप करो या ये करो, ऐसा कुछ था। अभी मेरे को एग्जैक्ट ध्यान भी नहीं आ रहा है, ये मैंने लास्ट टाइम खेली कब थी, मैं सच सच बताऊँ, वहाँ पे जाके मैंने ये खेली होगी व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, ठीक है, आज से 17 साल पहले। और फर्स्ट टाइम जब मैंने गेम खेली थी 2003 में, मैं 3rd क्लास में था तब। तो ये है कि ये लंबी चलती थी, इसमें आपके साथ आके 2 बंदे 3 बंदे भी ज्वाइन कर सकते थे जो मर्जी, फिर आपको आपस में नहीं लड़ना, साथ में खेलना है, ठीक है, बढ़िया था। आप इसमें पावर वगैरह लेके अपनी हेल्थ भी बढ़ा सकते थे, तो कोऑर्डिनेशन करके मस्त खेलते थे बंदे इसको ज़्यादातर, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस गेम का साइज़ कितना होगा गेस करो, काफ़ी लंबी गेम है टू बी ऑनेस्ट, मतलब उस टाइम के हिसाब से इसको कंप्लीट करने में आपको अगर अच्छे से आप करें बिना मरे और बिल्कुल आपको स्पीड रन करना है तो 45 मिनट्स के अंदर ये गेम कंप्लीट हो जाएगी पूरी। तो 1 रुपये में 2 सिक्के और भाई 40-45 मिनट आप मस्त मज़ा कर रहे हो, तो बंदे इंतज़ार में खड़े रहते थे अपना सिक्का हाथ में लिए, ज़्यादातर छोटे बच्चे जो वैसे थे, बड़े बच्चे थे वो टेकन 3 में ज़्यादा लगे रहते थे या किंग ऑफ फाइटर्स के अंदर। अगर आपने कभी वहाँ पर जाके खेला है वैसे गेमिंग पार्लर्स के अंदर गेम, तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये वीडियो थी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।